ঠিক আছে একটু जीत के इलेक्शन तो ये पूरा TT ADC गवर्नर के अंदर आता है, जिसके लिए मैं गवर्नर के संग अपने पूरे ADC को लेकर गया इंट्रोड्यूस करने के लिए, और कर्टेसी कॉल था कि हम शांति से अच्छे तरीके से एक अच्छा रिलेशन सेंटर और TT ADC के बीच में रखना चाहते हैं, इसके लिए हमें जाकर गवर्नर से मुलाकात है। उठेकिंग कब हुआ ये? जब गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेगा, ये जब गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेगा उसके बाद हमें सूचित किया जाएगा, उसके बाद ही हम तब डेट निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। CEO के साथ मेरा मीटिंग है, उसके बाद वो हमको बताएगा कब गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेगा, उसके बाद हम डेट रख सकते हैं फॉर वोट टेकिंग एंड अदर फॉर्मेलिटीज। महाराज आप तो CEM आज निर्वाचित हुआ, इस विषय में पहले आपका क्या मैसेज देना? मैं जो गलती 2000 की सरकार में हुआ है वो मैं माइंडफुल हूँ, मैं ऐसा रखता नहीं करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट जहाँ में हम लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़े, हम क्लीन ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चाहते हैं जहाँ में ऑनेस्टी हो, और जिस लोगों ने हमारे ऊपर इतना आशा किया है वैसे लोगों को उनको हम हेल्प करना चाहते हैं, TT ADC को डेवलप करना चाहते हैं। और रहा बात मेरा CEM का, मैं हैप्पी, मैं खुश हूँ कि मेरे तब MBA काउंसलर ने मुझे सपोर्ट किया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए ये है कि मैं अपने लोगों के लिए ऑनेस्ट करप्ट फ्री रिजीम लाऊं TT ADC में, जहाँ में हम अपने लोगों को सामने रखें, ना कि एक VIP कल्चर इंट्रोड्यूस। महाराज कुछ कुछ राजनीतिक दल आरोप लगाता है बाहर में जो वायलेंस होता है वो टिपरा का लोग भी करता है, इस विषय में आप... मुझे बहुत ख़राब लगता है जब टिपरा सर को मारता है, जब एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है। मैं भी अपोजिशन में बहुत साल से रहा हूँ, ये कल्चर है त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में, जो पहले से रहा है कि जो भी पार्टी जीतता है वो ऑपोजिशन को, जो हारने वाला पार्टी को अटैक करता है। यही हुआ था जब CPM पावर में था, जब 2018 में BJP IPFT आया तो उन्होंने मूर्ति निकाल दिया, मारा बहुत हुआ। जब मैं लोकसभा के टाइम कांग्रेस प्रेसिडेंट था तब भी लोकसभा के इलेक्शन के बाद बहुत वायलेंस हुआ। मैंने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम वायलेंस टॉलरेट नहीं करेंगे। और एक कल्चर था कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद एक विजय मिसल निकलता था, उस विजय मिसल में बहुत वायलेंस होता था। तो मैंने क्लियर अनाउंसमेंट कर दिया पूरे अपने MDC काउंसलर्स को कि त्रिपुरा मोथा ये इलेक्शन जीता है, लेकिन जीतने वाला भी त्रिपुरा सा है, हारने वाला भी त्रिपुरा सा है, तो इसमें कोई विजय मिसल का दरकार नहीं है। जो जीता है वो भी हम लोग के हैं, जो हारे वो भी हमारे हैं, तो विजय मिसल नहीं होगा। वैसे भी त्रिपुरा में, पूरे इंडिया में कोरोना वापस आ रहा है, ये सब हमको नहीं करना चाहिए। हम ये VIP कल्चर बंद करना चाहते हैं, और जो वोट टेकिंग होगा वो भी सिंपल सेरेमनी होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम पैसा ऐसे रकम के प्रोग्राम में करें, ये सब पैसा किसी बच्चे का ट्यूशन फीस, किसी का हेल्थ चेकअप, किसी का मेडिकल चेकअप के लिए हम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं बेफजूल में VIP कल्चर लाकर, विजय मिसल कर ओपनिंग, ग्रैंड ओपनिंग, स्वेरिंग इन कर रुपया पैसा जो पब्लिक का है वो खर्च नहीं करना चाहता। थैंक यू।